तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम दो मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है रुद्रान और दूसरी मूवी है शकुंतलम। तो गाइस दोनों ही मूवीज जो है वो एक डेट पर रिलीज हुई थी और दोनों ही मूवीज को आज रिलीज हुए 8वां दिन है। तो बात करेंगे 8वें दिन पर दोनों मूवीज कितना कलेक्शन कर रही है इंडिया से और ओवरसीज से। इसके अलावा दोनों मूवीज ने अभी तक वर्ल्ड वाइड कितना 8 दिनों में कलेक्शन कर लिया है और इस दोनों मूवीज के बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहले बात करते हैं शकुंतलम मूवी। शकुंतलम मूवी जो है वो तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, लेकिन इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज किया गया है, यानी कि सारी ही लैंग्वेजेस में इस मूवी को रिलीज किया गया है। बात करें मूवी के बजट को लेकर तो मूवी का बजट है 65 करोड़ रुपए का, बड़ा बजट। मूवी के लीड रोल में आपको समंथा और देवमोहन देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मूवी के कलेक्शन की तो आज 8वें दिन पर जो इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आ रहा है ऑल ओवर इंडिया से ग्रोस कलेक्शन वो है 75 लाख रुपए और ओवरसीज कलेक्शन निकल कर आ रहा है 20 लाख रुपए। टोटल इस मूवी का आज वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है 95 लाख रुपए। बात करें 8 दिनों में टोटल मूवी ने कितना कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड, तो वो हो चुका है 16 करोड़ 40 लाख रुपए ग्रोस कलेक्शन है, जो कि देखे जाए तो कुछ भी अच्छे कलेक्शन नहीं है क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ही बड़ा है 65 करोड़ रुपए का। अगर ये मूवी ऐसे ही थोड़ा बहुत कलेक्शन करती रही तो बहुत बड़ी डिजास्टर मूवी ये बन जाएगी। बाकी आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी, और अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना इस मूवी को। अच्छे रिव्यूज तो अच्छे देखने को मिले हैं लेकिन पब्लिक इस मूवी को देखने नहीं जा रही है। वो क्यों नहीं जा रही मुझे नहीं पता। आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो आपको बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी रुद्रान की। तो गाइस रुद्रान जो है वो तमिल लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी के लीड रोल में आपको राघव लॉरेंस देखने को मिलने वाले हैं। मूवी के बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट है 30 करोड़ रुपए का, अच्छा बजट। बात करें मूवी के कलेक्शन को लेकर तो इस मूवी का जो आज 8वें दिन पर कलेक्शन निकल कर आ रहा है ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन वो निकल कर आ रहा है 1 करोड़ 40 लाख रुपए और ओवरसीज कलेक्शन निकल कर आ रहा है 40 लाख रुपए। टोटल इस मूवी का आज वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। बात करें टोटल 8 दिनों में मूवी ने कितना वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है, तो वो हो चुका है 24 करोड़ 5 लाख रुपए, जो कि देखे जाए तो बहुत ही अच्छे कलेक्शन हैं और इस मूवी का बजट ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ये मूवी ऐसे ही कलेक्शन करती रही तो अपना बजट जल्द ही कवर कर लेगी। इस मूवी का बजट है सिर्फ 30 करोड़ और अभी तक इस मूवी ने जो टोटल कलेक्शन कर लिया है वो हो चुका है 24 करोड़ 5 लाख रुपये। तो यानी ये अपना बजट तो आसानी से कवर कर लेगी अगर ये मूवी ऐसे ही चलती रही तो। आगे दो दिन आ रहे हैं वो वीकेंड के, तो उसमें ये मूवी बहुत बड़ा कलेक्शन करने वाली है और अपना बजट हो सकता है अगले इसी वीकेंड में कंप्लीट कर ले। बाकी इस मूवी को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है और इस मूवी को रिव्यूज़ भी अच्छे देखने को मिले हैं। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट में बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। और इन दोनों ही मूवीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।